महानगर पालिका किसी के बाप की नहीं है, वो है तो सिर्फ तो सिर्फ मुंबई खड़ों की जनता की है। आज आप सत्ते में बैठे हो तो पानी का आरोप दिखा रहे हो, पानी के नाम पे सबको डरा रहे हो। अरे पानी तो भरपूर है डैम में रखा हुआ, तो फिर आप पानी क्यों नहीं छोड़ रहे हमारे कफेड़ा और गणेश मुद्देगढ़ इलाकों में? हमको पानी बराबर नहीं आया तो हम मोर्चा निकालेंगे महानगर पालिका के नाम पे, क्योंकि पानी हमारे हक का पानी है। पानी हम चाहका नहीं कोना चे बापा चा, तो मोर्चा मोर्चा दो तीन दिन में हम तो अनशन में भी वहाँ पे बैठ जाएंगे। बैठने के लिए तैयार है गिरीश एक भाई? बीएमसी में हर दिन आकर विनंती की है कि जल्दी से जल्दी ये प्रेशर बढ़ाने का काम किया जाए, लेकिन मुंबई महानगर पालिका केवल राजनीति करने में लगी हुई है। जहां पे सत्ताधारी पार्टी के नगर सेवक है वहां पे पानी पहुंचाया जा रहा है, और जहां पर सत्ताधारी पार्टी के नगर सेवक नहीं है वो जनता से उसका बदला ले रहे हैं, जिसके खिलाफ हम आज एक्शन उठा रहे हैं। समस्या हो रही है, और जैसे कि यहाँ पे जो पानी टैंक है, यहाँ पे 2 करोड़ लीटर पानी का टैंक है जो गिनती का सप्लाई कर रहा है क्लब विधानसभा में, लेकिन वो 50 लाख लीटर ही पानी आता है, तो 1.5 लाख लीटर पानी कहाँ जा रहा है हमारे क्लब विधानसभा का? पानी के नाम पे राशन किया जा रहा है हम लोगों के साथ, वैसी महामारी में तो सब परेशान है यार। तो पानी तो हमारे हक का, जो हमको राजनीति को एक तरफ रख दिए, लेकिन पानी हमको बराबर दीजिए। टाइम रहे से हम आ रहे हैं, पानी के उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनको विजिट करा रहे कि पानी का प्रेशर नहीं आ पा रहा हमारे साथ। ग्राइंडिंग पॉइंट है क्लब यहाँ पे बनता है विधान मौसम एरिया, फिर भी पानी के नाम पे हमारे साथ राशन किया जा रहा है। टाइम रहे से हम परेशान है, अभी तो एक ही बचा है, सब कुछ छोड़िए और पानी के नाम पे धंधा करिए। सारे के सारे गणेशपुर है, अभी हमारे विधायक जी अंदर गए हुए हैं, वो कुछ ऑफिसर लोगों से बात हो रही है, जब तक वहाँ से कुछ समाधान ऐसा जाता नहीं है हम यही देख रहे हैं। देखते हैं कामत, उन्होंने आश्वासन दिया है कि पानी कल से बराबर आएगा। जहां पे सत्ताधारी शिवसेना के नगर सेवक है वह परेल में वर्ली में भाईकला में, उधर पानी ये लोग बराबर छोड़ रहे हैं। नगर सेवक है, आमदार है, उनको सताने के लिए पब्लिक को सता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जय।